आज बड़े खास मेहमान हैं मेरे साथ, हालांकि मैं इनको कितने सालों से जानता हूं और रिटायरमेंट इनकी हो गई, और रिटायरमेंट जब हुई तो हमें तो पता नहीं चला कि आप रिटायरमेंट करने वाले हैं। मैं तो इंग्लैंड में था, बट सारे के सारे वो मोमेंट्स यूं ही मेरे जहन में आए। रिटायरमेंट के बाद पहली बार आज तक पर रिटायरमेंट आउट ऑफ चॉइस कि बस हो गया, या फिर हाँ मैंने सही वक्त पर किया? नहीं, आउट ऑफ चॉइस काफ़ी चीज़ें चल रही थी उस टाइम दिमाग में। आउट ऑफ चॉइस आई फेल्ट के ऑब्वियसली यू नो वर्ल्ड कप हैज स्टार्टेड, टीम हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड, और आई वांटेड कि मैं इंडिया के बाहर जाके थोड़ी क्रिकेट खेलूँ। यू नो स्ट्रेसफुल हो गया था कि रिटायर किस टाइम पर करना है, लाइफ नहीं जा रही थी आगे। यू नो मैं शादी हुई 2-3 साल पहले, तो आई वॉन्टेड टू फोकस ऑन माई लाइफ, एंड आई फेल्ट के यू नो बर्डन सा बन गया था एंड ऑफ माई करियर, किससे बाहर कैसे निकलना है। सो आई थॉट अगर मुझे बाहर जाके लीग खेलना है, आई हैव टू रिटायर, एंड आई थॉट कैनेडा जहाँ से पहले, एंड आई थॉट इट वॉज द परफेक्ट टाइम बिकॉज IPL आधी खेला आधी नहीं खेला उसके बाद। सो आई थॉट थिंग्स वर नॉट गोइंग द राइट डायरेक्शन, इट वॉज अ परफेक्ट टाइम के द यंगर गाइस टू यू नो टेक द टीम फॉरवर्ड एंड फॉर मी टू हैंग माई बूट्स। 2 साल पहले मुझे याद है 2017 इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी बर्मिंघम में मैं और आप मैच से किसी एक मैच से पहले मिले थे। आपने कहा था कि 300वां वनडे मैच है पाजी, आपको लगा था कि चंडीगढ़ का ये लड़का 300 वनडे खेल जाएगा उस वक्त तक, चूंकि वर्ल्ड कप 2 साल बाद था, उसी इंग्लैंड में था, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। ये तो आपके जहन में रहा होगा कि मैं 2011 वर्ल्ड कप के बाद 2019 का वर्ल्ड कप तो कम से कम खेल। जी था, बट 2015 वर्ल्ड कप मिस हुआ था मेरा, मुझे अच्छा ही लगा बिकॉज उस टाइम पर मैं रणजी ट्रॉफी में काफ़ी रन भी बना रहा था, लेकिन ऑब्वियसली यू नो थिंग्स माहौल थोड़ा डिफरेंट था उस टाइम पर। तो मेरे जहन में था कि 2019 का वर्ल्ड कप अगर आई कैन गेट टू विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट, बट ऑब्वियसली यू नो अगेन लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनके बारे में बात करनी नहीं करनी, तो बस वो ऐसे टाइम पर फिर 2019 का वर्ल्ड कप आया वेयर यू नो आई वॉज 37 years old, एंड बहुत सी चीज़ें फेवर में नहीं गई, सपोर्ट नहीं थी, एंड देन आई थॉट के यू नो आई शुड बी थैंकफुल कि जितनी क्रिकेट में खेला हूँ, रादर देन थिंकिंग कि ओ मुझे एक वर्ल्ड कप और खेलना है। यू नो 350 हो गए वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली आई गॉट सिक, उसके बाद मिस द वर्ल्ड कप, एंड देन आई प्लेड अ लॉट ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स, सो ओवर एंड ऑल यू नो आई प्लेड अबाउट 8-9 वर्ल्ड कप्स, दैट इज़ आई शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, रादर देन थिंकिंग कि यार एक वर्ल्ड कप और खेलूँगा तो मतलब नहीं खेला तो क्या। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स वर गोइंग इन माय हेड, एंड आई एम ग्लैड दैट आई रिटायर्ड द राइट टाइम। जिस वक्त आपने वो कमबैक किया था यूवी और चैंपियंस ट्रॉफी के तुरंत बाद वेस्ट इंडीज टूर, आपने उस वक्त सोचा था कि आप ड्रॉप हो जाएंगे? नहीं सोचा नहीं था मैंने, क्योंकि आई रिमेंबर जो 8-9 वनडे खेला मैं, 2 मैन ऑफ द मैच थे मेरे, और मेरा स्ट्राइक रेट 98, आई वाज एवरेजिंग 42+, सो आई वाज एक्चुअली यू नो डूइंग रियली रियली वेल इन द मिडल ऑर्डर, एंड सडनली आफ्टर द इंजरी मुझे बोला गया कि नो आप रास का T20 का मैच मत खेलो और आप यू नो श्रीलंका की तैयारी करो, एंड सडनली द यूरो टेस्ट केम इन बिटवीन, सो हुएवर फेल्ड द टेस्ट डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, तो सडनली इट वॉज अ यू टर्न इन माई सिलेक्शन, एंड देन ऑब्वियसली यू नो आई हैड टू यू नो गो बैक एंड यू नो प्रिपेयर फॉर द यूरो टेस्ट एट द एज ऑफ 36। याद है मैंने यहीं पर आपका इंटरव्यू किया था आपके घर पे, आपने कहा था कि मैं यो-यो टेस्ट तो क्लियर कर लूंगा, और यो-यो टेस्ट क्लियर होगा तो क्रिकेटिंग लॉजिक ये था आपको जो कहा गया था कि आप टीम में भी वापस आ जाए। हाँ मेरे को यू नो ऑब्वियसली बोला था कि यू नो आप यो-यो टेस्ट क्लियर करो, यो-यो टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगी, यो-यो टेस्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद बोला कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो जाके, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, तो वो दे थॉट के इससे योर टेस्ट नहीं क्लियर होगा बिकॉज इस स्टेज में मुश्किल होगा, एंड उसके बाद ऑब्वियसली विल बी इजी टू टेल हिम। बहानेबाजी थी? हाँ मुझे लगा थोड़ा ऐसे कि बहानेबाजी थी कि नहीं होगा इससे टेस्ट, हो गया तो दे गॉट कॉट इन अ स्पेस वेयर यू नो दे डोंट नो व्हाट टू से टू मी, सो आई थिंक इट वाज अनफॉर्चुनेट। जो बंदा 15-17 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है आपको उसको बैठ के बताना चाहिए कि यू नो किसी ने नहीं बताया। नहीं मेरे को किसी ने नहीं बताया, वरिंदर सहवाग को नहीं बताया, ज़हीर खान को नहीं बताया, तो उनके हिसाब से तो मैं बहुत कम क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन
कोई भी प्लेयर हो उसको जो भी इंचार्ज हो बैठ के बात करनी चाहिए अप फ्रंट कि दिस इज़ द केस एंड यू नो वी लुकिंग एट द यंगस्टर्स एंड वी हैव टेकन दिस यू नो स्टेप. तो शुरू में ख़राब लगती है बात, बट एटलीस्ट यू गिव देम द क्रेडिट कि एटलीस्ट उन्होंने आपको आके मुंह पे सच्ची बात बोली, जो कि इंडियन क्रिकेट में होती नहीं है. हमेशा से ऐसी रहा है या ये हाल फिलहाल में ऐसा हो? नहीं, ऑलमोस्ट हमेशा से ऐसी रहा है. मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ऐसे होते देखा है, तो आई टुक इट पर्सनली देन, बट आई डोंट टेक इट पर्सनली नाउ बिकॉज दिस इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग टू मूव ऑन एंड आई मेड माय पीस विद इट. मतलब शायद ये एक मलाल, आपने रिग्रेट, मैंने आपसे पूछा नहीं, मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन सबके जहन में एक रिग्रेट है कि यार 2011 वर्ल्ड कप जिताने वाला प्लेयर उसके बाद को वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेल पाया, ये एक रिग्रेट लोगों के जहन में भी. नहीं, वो रिग्रेट मेरे में भी रहेगा, बट लोगों को मेरे लिए खुश भी होना चाहिए कि इतनी बड़ी बीमारी के बाद आके 2 साल डोमेस्टिक में स्ट्रगल करके, इतनी मेहनत करके अपना आके वनडे में हाईएस्ट स्कोर बनाया, तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो अदर साइड टू देखने के लिए. हाँ, रिग्रेट रहेगा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, बट उसमें देयर वाज लॉट ऑफ अदर इश्यूज, देयर वाज नो सपोर्ट, देयर वाज हार्डली एनी सपोर्ट फ्रॉम यू नो टीम मैनेजमेंट और पीपल अराउंड, तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर वो सपोर्ट होती तो मे बी आई वुड हैव प्लेड इन द वर्ल्ड कप, बट जितनी क्रिकेट खेला हूँ अपने दम पे खेला हूँ, मेरा कभी कोई गॉडफादर नहीं था और अपने दम पे बीमारी के बाद भी आके इतनी क्रिकेट खेल गया, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ.